जी इस वक्त आप देख सकते हैं खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद वापस रवाना हो रहे हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो तैयार हैं, हम तो हमेशा से तैयार थे और ये वक्त आ गया है एंड वी आर रेडी फॉर इट विद फुल फोर्स एंड फुल एंथुजियाज्म इंशाल्लाह। तो किस तरीके से फेस करेंगे? राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को। वो कैसे नहीं हमें आने देंगे, वो कैसे रोक सकते हैं आवाम को? पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान की आवाम है, हमारा मुल्क है, वो कैसे रोक सकते हैं हमें? 25 मई को भी आप लोगों को रोक दिया था उन्होंने। 25 मई को हमें नहीं रोक सके थे, हम डी चौक में मौजूद थे उस दिन। अच्छा। हम सब मौजूद थे। तो क्यों वापस चले गए फिर आप लोग? हम वापस तो नहीं गए, खान साहब ने हालात को देखते हुए बड़ा दानिशमंदी से फैसला किया कि उस वक्त एक तसादुम था, वो नहीं होना चाहिए था, तो वो वापस चले गए। नाउ ही इज़ बैक एंड वी आर बैक एंड वी आर ऑलवेज बैक विद हिम, स्टैंडिंग विद हिम। क्या लग रहा है आपको कितने लोग आ सकेंगे लॉन्ग मार्च में? ये तो आप उस दिन देखेंगे, जितना लोगों का जोश है, जितना उनका वलवला है, जितना उनमें शऊर आ चुका है, ये तो आप उस दिन देखेंगे कि कितने लोग आएंगे इंशाल्लाह। तो किस हद तक जा सकते हैं आप लोग? अब तो एवरीथिंग इज एट स्टेक, वी हैव नथिंग टू लूज, वी हैव नथिंग टू लूज, तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो अगर शेलिंग वेलिंग सामने से होती है तो किस तरीके से आप लोग फेस करेंगे, तैयारी है आप लोगों की? उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवा दी है एक्चुअली, हमने 25 मई को शेलिंग फेस कर ली है, हमें पता चल गया है कि क्या हो सकता है मैक्सिमम, तो अब तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, जो करना था वो कर चुके हैं मैक्सिमम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? खान साहब ने आज हफ्ते को प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह हमारी खून के आखिरी कतरे तक हम लोग खान साहब के साथ हैं, क्योंकि यही ऐसा लीडर है जो हमारे पाकिस्तान के लिए लाजम मलजूम है। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। मैं पूरी कौम को ये कहना चाहूँगी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अगर आप हक सच के लिए लड़ते हैं तो आप शहीद होते हैं, अगर आप झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत करते हैं, तो मरना तो एक दिन है ही है। अगर हक के रास्ते पे मरते हैं तो हमें फ़ख्र होगा कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और ब्रेव लीडर के साथ खड़े हैं।